महाराष्ट्र के सीएम शिंदे सरकार दोस्तों यहां से अपना एंट्रेंस चालू हो जाता है। यहां पे आपको बहुत सारे शॉप भी मिल जाएंगे और जस्ट उसके ही बाजू में है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो अमित राठौर ब्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हो सब आप सभी लोग, और फिर मैं भी बढ़िया हमेशा की तरह। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं पुणे, क्योंकि मेरे दोस्त ने आज मुझे इनवाइट करना किया है कि आज दोनों शेट जा रहे हैं हम लोग, तो तू भी आ जा दर्शन लेने के लिए बप्पा का। तो मैंने भी बोला भाई चल भाई, भगवान का नाम है तो निकी और कुछ कुछ, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो उनकी फैमिली के साथ बाद में जा रहा हूँ, तो अभी मुझे 9 बजे तक मुझे टच होना है पनवेल में, पनवेल स्टेशन में। तो फिर वहाँ से निकलेंगे फर्स्ट क्लास आराम से गाड़ी, आराम से ट्रैवल करते जर्नी करते आराम से जाएंगे। फिर दोड़ू शेट जी का दर्शन लेंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे। बस पुणे में यही काम है और मस्त तरीके करके आएंगे दोस्तों अपना काम। तो मिलते हैं, एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट में तो भाई साहब अलार्म से भी पहले मैं उठ के बैठ गया हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो बस निकलते हैं दोस्तों अभी गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, मिलते हैं। जी दोस्तों सुबह सुबह भजन सुन के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैंने हल्का सा चाय और नाश्ता कर लिया, क्योंकि आफ्टर ऑल क्योंकि भाई चाय इज़ द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, चाय सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दोस्तों अभी, क्योंकि 9 बजे तो मुझे पहुँचना है। वैसे भी अभी 8:20 हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन आएगी नहीं आएगी तो वो भी इशू है। अरे तू जा रही? ओके मैं मिलता हूँ डायरेक्टली नीचे की जर्नी से। जैसे कि आप सभी को मालूम है ये स्टेशन को इंट्रोड्यूस करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग में डाल दिया है स्टेशन को, नेहरू स्टेशन है अपना। तो बस अभी मिल जाएगी ट्रेन, वैसे भी टिकट का झमेला तो पालना ही नहीं है, अपन ने ऑनलाइन ही निकाल दिया है। ये दोस्तों आ गए हम लोग दोस्तों के साथ, और उनकी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे बैठी है अपना भाई है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो बस में अभी बैठ चुके हैं, फिर यहाँ से दूसरी जगह पे जाने का प्लान है। तो जैसे ही बस में अभी बैठ गया फिर आगे लोकल ट्रेन से जाने का, क्योंकि डायरेक्ट बस वहाँ पे मिल रही नहीं है, तो अपने को थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, इसकी वजह से थोड़ा स्टेप बाई स्टेप जाएंगे अभी। मतलब सब मेन क्या है, सफ़र का है इन्जॉयमेंट लेते हुए, तो वैसे वैसे हम लोग जाएंगे फिर लगाएगा। अपना डाई हार्ड सब्सक्राइबर है यहाँ पे, ऐसे ट्रैवलिंग में भी बाहर का लोकेशन छोड़ के मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मतलब थैंक्स लव यू भाई, डेडिकेशन है भाई बंदे में बहुत। असली मजा तो इस सफर का ही है, क्या वादी हो क्या नजारे, बस ये थोड़ा गंदगी को छोड़ देना बाकी है, बस सही है इस नजारे। अच्छा जी दोस्तों इस बस की एक खास बात दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस बस ने तो मुझे दीवाना कर दिया है। इस मतलब अभी जस्ट मैंने नोटिस किया पीछे आया था भी, और मुझे इस हिडन बस की एक खासियत थी मुझे पता नहीं थी। मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ। तो इस दोस्त यहाँ पे फिर ये देखिए, ऐसा व्यू कहीं देखा है आप? Are you comedy me? अभी आए हम लोग लोनावला बस स्टॉप, वहाँ से आके जस्ट नाश्ता करने के लिए बैठ गए, फिर इसके बाद हम लोग वापस पुणे के लिए जर्नी स्टार्ट कर देंगे बस से। जी दोस्तों अभी हो गया हम लोग का नाश्ता, तो अभी हम लोग ने एक बस चेंज कर लिया है, हमें प्रॉपर लोनावला बस स्टॉप पे आए थे हम लोग, फिर यहाँ से एक दूसरी एक बस मिली हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने इधर इंक्वायरी किया गाड़ी का, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, क्योंकि उतना है ही नहीं जितना लोग प्राइस बोल रहे हैं, उतने में गांव में एक दो बार जाके आ जाऊँगा मैं, कितना लोग उतना प्राइस बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा इफिशियंट और ज़्यादा कन्वीनियंट बस ही है, तो बस ही ज़्यादा प्रेफर करना सबसे ज़्यादा सेंस बनता है। तो हम लोगों ने बस का एक ऑप्शन लिया है, तो बस यहाँ से निकलेगी और एक जगह से हम लोग को चेंज कर रहे हैं, फिर वहाँ से फिर हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बैठे हैं सब लोग फैमिली के साथ, यहाँ पे भाई भी बैठा है, अंकल जी भी बैठे हैं वहाँ पे,
तो अभी बस क्या पता कहाँ कभी निकलेगी। नहीं तो भी 10-15 मिनट तो हो ही गया हम लोग यहाँ पे बैठ बैठ के, अब क्या मालूम कब निकलेगा। आगे भी जाना है, कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है ना दोस्तों, एक नंबर है। एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल है। यहाँ पे फ़ैन चालू करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सिटी में होता है ना। बहुत है भाई, हिल स्टेशन पे आओ, ये टाइम पे घूमो फिरो मस्ती करो। सुबह से हम लोग बस से यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोचा कि भाई थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए गन्ने का जूस पिया जाए। तो इसको पी के भाई अलग ही सुकून है, अलग ही मज़ा आप भी जान सकते हो। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे पुणे के बस स्टॉप पे आए। पुणे ना क्या कौन से एरिया, निगड़ी बोलते हैं कौन सा प्लेस है के, वहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे उतरे हैं। और यहाँ से अभी हम लोगों ने ऑटो बुक किया है डायरेक्ट वहाँ पे जाने के लिए। पहले इनके रिलेटिव्स के घर पे जाना है, फिर वहाँ उसके बाद फिर बाबा जी का दर्शन लेंगे। तो अभी ऑनलाइन में हम लोगों ने रिक्शा बुक किया है, वो आ रहा है, उसके यहाँ से फटक से हम लोग चले जाएंगे। क्या बोलते हैं, फिर उसका थोड़ा है आज जर्नी थोड़ा लंबा है, मज़ा भी आ रहा है जर्नी के साथ बहुत कुछ। जितना ये मीठा गुलाब जामुन था उतने ही ज़्यादा मीठे लोग थे। इतना अच्छे से हम लोग को मतलब नाश्ते के लिए भी दिया, खाना भी ऑफर किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इनके साथ टाइम स्पेंड करके। और एक गोलू गोलू सा बच्चा तो इतना ज़्यादा क्यूट था, बस मेरे पास नहीं आ रहा था, क्या पता चुमनी होगी। और ये जो बच्चा था ना भाई साहब, मास्टर आदमी है, मास्टर गेम खेलने में। बहुत मज़ा आया इसके साथ खेल के और थोड़ा टाइम स्पेंड करके। आए थे हम लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए, बट हमें यहाँ पे मिल गए अमित शाह फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे, इन सब लोग को हमें लगे ये वाली गाड़ी के अंदर है। तो अचानक में दिख गए हम लोग को, मतलब भाई क्या बात था, आज आए हम लोग पुणे में और उनके दर्शन हो गए। सो ये भी ट्विस्ट था कहानी के अंदर, बट बहुत सही था क्योंकि भाई इनके आने के लिए जो रास्ता हम लोग ने चौकअप किया था ना पूरा बंद। फिर अभी देखते हैं, अभी एक नहीं तो 10 मिनट से हम लोग रुके हैं। और आपने अभी देखा क्लिप में भी एकनाथ शिंदे हम लोग को दिखे आज, सीएम एकनाथ शिंदे। फिर उसके बाद अभी रिक्शे का वेट चालू है, जैसे रिक्शा मिल जाता है फिर हम लोग आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, बस अभी रिक्शा का वेट है। ये अभी हम लोग शनिवारवाड़ा फोर्ट के यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, बट इसको सामने से देखने का प्लान तो नहीं था, बट मुझे देखना है इन फ्यूचर कभी आऊँगा तो। अभी इतना टाइम नहीं है इसलिए हम लोग आउटर से देख लिया, इन फ्यूचर टाइम मिला तो ज़रूर इस प्लेस। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है यहाँ का एग्जिट पॉइंट। फिर हम लोग अभी आगे से जाके फिर घूम के अंदर बहुत सारा घूमने जैसा है, वहाँ पे जाके आपको एंट्रेंस मिलेगा। ये अपना एग्जिट पॉइंट है। हेलो 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 भाई, ये देखो गाइस, ये मेरा सब्सक्राइबर है, इसके मुझे हाथ दिखा रहा था। दोस्तों यहाँ से अपना एंट्रेंस चालू हो जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप भी मिल जाएंगे। और जस्ट उसके ही बाजू में थोड़ा सा भीड़ है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ के लिए शायद, नहीं सभी के लिए, मुझे भी इतना पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जी दोस्तों अभी हम लोगों को हुआ दर्शन अच्छे से, बट वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। बट ओवरऑल जो दर्शन था ना बाहर से ही, बट हुआ अच्छे से, बहुत ही प्रॉपरली हुआ हम लोग का दर्शन। तो मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि वीकेंड पे मत आना यहाँ पे मंदिर पे, बहुत ज़्यादा रश है। वीक डेज़ पे आ जाओ एक टाइम पे आपको वो सही रहेगा, पर वीकेंड पे आ जाइए ना, हर जगह का यही उसूल है, जहाँ पे आप वीकेंड पे आए आपको भीड़ भाड़ रश एरिया मिलेगा ही मिलेगा। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी जस्ट आए हम लोग पुणे के रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से अभी हम लोग रिटर्न जाने के लिए गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आने के टाइम पे हमें गाड़ी नहीं मिली थी बिकॉज़ ऑफ रीज़न, क्योंकि मेगा ब्लॉक था। अभी जाने के टाइम पे गाड़ी मिल जाएगी। सो अभी हम लोग फटाफट टिकट निकाल के फिर अभी हो गया हम लोग का दर्शन, अभी डायरेक्ट निकल रवाना हो रहे घर के लिए। अभी बाय ट्रेन आएंगे हम लोग, ट्रेन का भी थोड़ा जर्नी उसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर जितना जर्नी था सारा कुछ आज के दिन एक्सपीरियंस कर लिया हम लोगों ने। बहुत ही सही वाला आज का टूर था हम लोग का, बहुत मज़ा आया। आज ये फैमिली के साथ ट्रिप निकालना चाहिए यार, कसम से बहुत मज़ा आया आज हम लोग को। इतना ट्रिप तो दोस्तों के साथ ही मज़ा आता है जितना फैमिली के साथ आता है।
तो आज का ट्रिप था एकदम मस्त। अभी बाकी का थोड़ा बहुत ट्रेन का जर्नी दिखाता हूँ, फिर डायरेक्टली घर पे मिलता हूँ आप सभी से। दोस्तों हो गया आज हम लोग का पूरा ट्रिप एंड। अभी हम लोग जाने वाले हैं कौस्तुब की फैमिली, कौस्तुब भी जाएगा उसके घर पे। अभी उनके फैमिली को लास्ट बाय बोल के अभी निकलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं आंटी जी का, चलो साथ में मिलके फिर मैं भी घर के निकल जाऊँगा। क्या मंदिर का